हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर रिव्यू आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली आज जो होने वाला है वो एक रोडपेंस कंपनी का जो है बेला है, 100cc स्कूटर है। तो आप देखने वालों को लग रहा होगा कि शायद ये ईवी है, नहीं है, ईवी नहीं है, ठीक है। ये एक जो है NA इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड गैस इंजन, जिसको पेट्रोल इंजन बोलते हैं, ये वो है, ठीक है जी। तो आज इसको आपको एक जो है 360 पहले दे देते हैं कंप्लीट, ठीक है जी। आपको एक इसकी लुक्स वगैरह नज़र आ जाएंगी सारी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक इसकी ओवरऑल 360 वो है, ओवरव्यू है कि आप देख लें ये कैसा दिखता है। आपको देख के काफ़ी हद तक जो है ना, ये वेस्पा के स्कूटर्स थे वो आपको लगेगा काफ़ी रिजेंबलेंस इसकी वो वाली है, ठीक है जी। लेकिन अब क्योंकि ये टाइम जैसे जैसे चेंज हो गया है, वैसे वैसे जो है आपको फीचर्स चेंज हो गए हैं और काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें चेंज हो गई। वो एक टू स्ट्रोक मशीन थी, ये एक फोर स्ट्रोक मशीन है, 100cc CVT ट्रांसमिशन इंजन है ये, बेसिकली ऑटोमेटिक है। आपको मैं सारा भी डिटेल से दिखाऊंगा पास से शुरू करके। तो रिव्यू क्योंकि हम दे रहे हैं आपको, स्टार्ट से जो है ना फ्रंट से दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है जी। सबसे आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम मिल जाते हैं 3.5010 का जो है ट्यूबलेस टायर, जो कि केंडा कंपनी का है, चाइनीज़ में का टायर्स हैं और बहुत एक अच्छी क्वालिटी का। फिर आपको उसके साथ मिल जाता है एक अलॉय रिम, ठीक है जी, जो 10 इंच का है अलॉय रिम। उसके साथ फिर आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिल जाते हैं। ये आगे इसका फेंडर आ गया, फेंडर के बाद फ्रंट पे हमारा जो है बैजिंग आ जाती है बेला की। देन ये इसका हॉर्न की वो आ गई लूप, जो सबसे ज़रूरी बात है वो यहाँ पर है, ये देखें जी। यह आ गया इसका डिस्क ब्रेक, ठीक है, जो सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है इसकी, ठीक है जी, जो एक इसके हिसाब से बहुत मुनासिब जो है ना आपको वो देता है, स्टॉपिंग पावर देता है, क्योंकि एक बहुत एक लाइट वेट मशीन है ये, ठीक है जी। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाती है इसका मीटर क्लस्टर और सारा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हमें मिल जाता है इग्निशन स्विच, ठीक है, जो एक मतलब आपको देखेंगे कि हर स्कूटी में चलें होता है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो हमारा ये जो बूट है ये वाला पूरा खुल जाएगा। भी हम आपको ये भी खोल के दिखाएंगे। देन अगर आप चाबी निकाल इसको अगर आप पीछे की तरफ करेंगे मूव, तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगी, इस तरह की लॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको बाहर निकाल के इसको शट करते हैं तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हमने इसको खोलना है, जिस तरह के CB 150 में भी आता है, यहाँ से हम इसको ये की लगा के खोल सकते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो एक बड़ा प्यारा वेलकम आता है यहाँ पे, ठीक है जी, जिसमें हमें ये फ्यूल गेज बता रहा है। उसके बाद फ्यूल गेज के बाद जो है टाइम बता रहा है, ऑडोमीटर बता रहा है, और यहाँ पर हमें बैटरी चार्जिंग भी बता रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक आपकी ग्रिप्स की जी। तो अब यहाँ पे आ जाती हैं हमारी स्विच असेंबलीज। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है आपका ऑफ पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स का। अब पार्किंग में आपको दिखा देता हूँ कि ये पार्किंग में हमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। पार्किंग में हमारे यहाँ पे मिल जाता है एक DRL, और उसके बाद आ जाती है हमारी बहुत ही एक हाई लाइट की, मतलब एक बहुत ज़्यादा रोशनी वाली हेडलाइट, ठीक है जी। उसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है जी। लेफ्ट साइड अगर हम आ जाएँ यहाँ पर हमें हाई लो का बटन मिल जाता है, ठीक है। राइट लेफ्ट आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं और ये इसका हॉर्न आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एक टोइंग हुक, जैसे आप देखते हैं जापानीज गाड़ियों में भी यहाँ पे एक टो जो है ना आपका सामान लटकाने के लिए एक वो आ जाता है हुक, ठीक है। यहाँ पे एक जो आपका 5.5 फुट का आराम से बंदा जो है वो इजीली यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है जी। और मैंने ख़ुद इसको ड्राइव की है, तकरीबन हम इसको 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुके हैं। कंपनी ने रिव्यू के लिए मैं दी थी कि आप इसको चलाएं और इसके प्रोज एंड कॉन्स सारे डिस्कस करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें, ठीक है जी। अब बात हमारे थे आपको मैं इसका जो है ग्लव कंपार्टमेंट वो भी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है जी। इसको जब हमने यहाँ से इसको पीछे करना है, यहाँ से इसको पीछे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो इसने यहाँ से ये खुल जाएगी इसका ग्लव कंपार्टमेंट। सो जैसा कि अभी हमने यहाँ से पीछे से इसको मूव किया है ग्लव कंपार्टमेंट की तरफ, तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा स्टोरेज बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल लिड, ठीक है जी। ये फ्यूल लिड आप खोलते हैं, इसमें मिलती है हमें 5 लीटर की टंकी, ठीक है जी, पेट्रोल की टंकी है। और पेट्रोल से हम इसकी बात कर लेते हैं फ्यूल कंजम्पशन की भी, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन ये अभी इस वक्त दे रही है 43-44 की एवरेज, ठीक है। 43-44 आप देखने वाले शायद लोग कहेंगे कम नहीं है, ये कम नहीं है अभी, क्योंकि जो ब्रांड न्यू इंजन है जो कि ऑलरेडी अभी तक सिर्फ जो है वो 100 किलोमीटर चला, जब भी चलेगी तकरीबन 7 से 8 हज़ार किलोमीटर, उस वक्त अपनी जो है ना मैक्सिमम परफॉर्मेंस उस वक्त देगी, परफॉर्मेंस भी और आपकी जो है फ्यूल एवरेज भी। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं बैक एंड पे, रेयर एंड पे। इसका हमें मिलता है 100cc का
OHV इंजन जो कि हमें दे रहा है इस वक्त अभी मतलब इसकी आप समझ लें 4 to 5 HP तक का इंजन है। खैर HP की मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हमें टॉर्क की ज़रूरत है। ये काफ़ी हाई एंड टॉर्क इंजन है जो कि एक 100 CC CVT इंजन है। बेसिकली CVT वो इंजन होता है जो बेल्ट जो है ना बेल्ट की बेस पर चलता है। ये साइड पर आप इसका फ़ैन देख सकते हैं जो यहाँ फ़ैन यहाँ से हवा लेता है। ये एग्जॉस्ट आ गया इसका। अगेन पीछे मर लेते हैं, पीछे ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो पीछे हमें मिलती है यहाँ पर जो है ड्रम ब्रेक जिसमें आपके 70 साइज़ के नॉर्मल ब्रेक शू डलते हैं और उसके साथ हमें यहाँ पे ट्यूबलेस रिम जैसा कि हमें फ्रंट पे मिल रहा है। ये आगे जी इसका पावर हाउस जो कि 100 CC का एक इंजन है। ठीक है जी, ये बेसिकली जो इंजन है आप स्कूटर्स में आपने देखा होगा कि ये जो इंजन है यही स्विंग आर्म है और जो स्विंग आर्म है वही इंजन है इसका। ठीक है जी, उसके साथ हमें मिल जाता है यहाँ पे एक किक स्टार्टर। ठीक है जी, जो इसकी किक है ये रिट्रैक्टेबल जैसे आपने खोलनी है, वैसे अभी तक हमने एक बार ही इसको करके देखा है स्टार्ट। ठीक है जी, ये किक से भी बड़े स्मूथली स्टार्ट हो जाती है और इसका बड़ा स्टैंड आ गया। आपको एक बार इसकी जो है सेल्फ स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं कि अगर हम जो है इसको यहाँ से इसकी पहले हम इसका स्विच ऑन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इसका ब्रेक प्रेस करेंगे, देन ही ये स्टार्ट होगी। अभी आपको मैं स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये जी बाइक जो स्कूटर है हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसका आपको एक साउंड नोट सुना देते हैं, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जो है ना एक हम्बल साउंड है इसका। आपको साउंड सुना देते हैं एक बार। ये इसका कुछ साउंड है अभी क्योंकि ये आइडल पर खड़ी हुई है, इस वजह से कुछ वाइब्रेशन हैं इसमें। और जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि ये बिल्कुल ही जो है ना वो ऑटो है। अभी हम इसकी रेस देंगे तो इसका जो टायर आप देखेंगे मूव करने लग जाएगा। ठीक है जी, तो इसका टायर मूव करने लगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या अगर आप लोग, हाँ प्राइसिंग, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी प्राइसिंग। ये इसकी प्राइस जो अभी कंपनी दे रही है 2,55,000 है, 2,55,000 आज की डेट में जो कि जनवरी 2024 है। ठीक है जी, तो मैं इसको एक ट्राई देना चाहूँगा कि जो लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं जो हज़ारों रुपये खर्च करती हैं उस पर अपने डेली कम्यूट में उबर करीम में और रिक्शा वगैरह में, तो वो एक आपको जो है ना कि ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। ठीक है जी, उसके अलावा साइज़ की मैं बात करूं तो इसका जो यूनाइटेड की 100 आती है उस साइज़ काफ़ी छोटा है जिस वजह से इसका वेट भी कम है तो मनूवरिंग काफ़ी आसान है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।